हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आज हम जानेंगे जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन के बारे में, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज इज कॉल्ड एज। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है साउंड का, अगर वो 20 हर्ज से नीचे होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा इन्फ्रासोनिक। तो साउंड फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज इज नोन एज इन्फ्रासोनिक साउंड। सेकेंड क्वेश्चन, साउंड वेव इन एयर आर ट्रैवल इन व्हिच पाथ। तो जो साउंड वेव जो होता है एयर में जब ट्रैवल करता है वो कौन सी पाथ में ट्रैवल करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल। थर्ड क्वेश्चन, ए रॉकेट वर्क ऑन व्हिच प्रिंसिपल। तो रॉकेट जो होता है वो कौन सी प्रिंसिपल में वर्क करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो रॉकेट का जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्थ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो जो लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैंडेला। तो कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। फिफ्थ, व्हाई नाइट्स आर कूलर इन द डिजर्ट्स देन द प्लेन्स। तो डिजर्ट में रात को क्यों ठंड होती है प्लेन से ज़्यादा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिकॉज सैंड रेडिएट्स हीट मोर क्विकली देन द अर्थ। तो जो डिजर्ट में जो सैंड हो गए वो जो हीट को मोर फास्टली रेडिएट करता है देन द प्लेन्स, तो इसलिए डिजर्ट में रात को ठंड बहुत होती है। सिक्स्थ, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन व्हिच प्रिंसिपल। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो कौन सी प्रिंसिपल में बेस करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब को मेक करने का प्रिंसिपल है। सेवन्थ, ड्यू टू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ साउंड हियर। तो किसकी वजह से जो कि जो सोर्स साउंड का जो सोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड। तो जो साउंड में जो ओवरटोन्स प्रेजेंट है इसके वजह से हम साउंड कहाँ से आती है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली जनरेटेड इन द सन ड्यू टू व्हिच प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस की वजह से जो सन में कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जनरेट हो रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो कि सन में कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जनरेट हो रहा है। नाइन्थ, हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किए थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेनरी बेक्वेरल। तो हेनरी बेक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किए थे। टेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इन्फिनिटी। इलेवेंथ, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट आर प्रेजेंट। तो कितने बेसिक एसआई यूनिट हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेवेंथ। तो सेवन नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट आर प्रेजेंट। ट्वेल्थ, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ व्हिच फोर्स। तो कौन सी फोर्स की वजह से जो कि फैट जो है वो मिल्क से सेपरेट किया जा सकता है क्रीम सेपरेटर से? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द यूज ऑफ क्रीम सेपरेटर। फोर्टीन्थ, द टेक्निक यूज बाय बेट्स टू फाइंड देयर वे और टू लोकेट फूड इज नोन एज। तो बेट जो होते हैं वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं टू लोकेट देयर फूड एंड देयर वे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इको लोकेशन। तो बेट जो है वो रात को इको लोकेशन का यूज करके उसका जो वे एंड फूड का लोकेट करता है। फिफ्टींथ, द वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। तो वॉशिंग मशीन जो होता है उसका जो वर्किंग कौन सी प्रिंसिपल में बेस करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसकी प्रिंसिपल से वॉशिंग मशीन वर्क करता है। सिक्सटींथ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। सेवनटींथ, द साउंड वेव एंड लाइट वेव बोथ ओबे व्हिच लॉज। तो जो साउंड वेव होता है और लाइट वेव्स होते हैं वो कौन सी लॉ को ओबे करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को साउंड वेव एंड लाइट वेव बोथ ओबे करते हैं। एटींथ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जो है वो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन है। नाइनटींथ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेसिबल। तो डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ट्वेंटीथ, द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज एट ए हाइट ऑफ अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर। तो जो ओजोन लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो कितने किलोमीटर का हाइट में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50 किलोमीटर। और जो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। और इस वीडियो का पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हो।
और हमारा कोशिश ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका अपर वीडियो बना के आपके पास जल्द से जल्द दिला सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।